दोस्तों, अगर आप लोग गोरखपुरिया भौजी से मिलना चाहते हो तो पहले आप लोग सावधान हो जाइए और ये वीडियो देखिए उनका, वो क्या बोल रही है। लोगों ने बोला भी है, खासतौर से आपकी भाभी ने बोला है कि गार्जियन के साथ है। ये सही बात है। मान लीजिए कोई लड़की अकेले आती है घर से, भाग बगैर बताए हुए चली आती है, कोई मैटर होगा तो उसमें हम लोग भी फंसेंगे, क्योंकि हमने वीडियो बनाया उसके कि हमारे पास आई है। गार्जियन रहेगा तो कुछ मैटर भी, जो कोई भी लोग मेरे यहाँ अकेले मत आई। दोस्तों, तो ये बात सब मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि जमाना बहुत ही ख़राब है और गोरखपुरिया भौजी स्पष्ट बोल रही है, जो मेरे से मुझसे मिलने के लोग कितने दिन, दो दो दिन स्टेशन पर सोते हैं, दो दो रात सोते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो मैं उन सब से बोलती हूँ, पहले अपने गार्जियन के साथ आइए, क्योंकि जवाना मैटर भी नहीं होगा रास्ते में। आजकल लड़कियों को नहीं छोड़ना, वीडियो के चक्कर में अकेली कहीं चली जाती हैं, ये रास्ता जानते नहीं कि इस समय रास्ते में इतने चोर हैं कि आपको मोबाइल चुरा लेंगे, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जवाना बहुत खराब हो गया, बहुत ही खराब है, ऐसा मत करें आप। यूट्यूब के चक्कर में दोस्तों जानते हैं, वो जो स्पष्ट बोल रही है, जो मेरे से मुझसे मिलने के लोग कितने दिन, दो दो दिन स्टेशन पर सोते हैं, दो दो रात सोते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो मैं उन सब से बोलती हूँ, पहले अपने गार्जियन के साथ आइए, क्योंकि जमाना बहुत ख़राब हो चुका है। किसी का फोन चोरी होते जा रहा है, लड़कियों का ब्लैकमेल किया जाता है, और आप लोग तो जानते हैं लड़कियों को बेच भी दिया जाता है ब्लैकमेल करके। तो आप लोग घर से अकेले मत आइए। अरे, सफलता तो मिलेगी ही, मेहनत करिएगा तो ज़रूर ऊपर वाले फल देंगे आप लोगों को। अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो अपने गार्जियन के साथ जाइए। और ये देखिए, एक दिन में 160 लोगों का चैनल प्रमोट करती है। अरे वाह, सच में आप बहुत किस्मत वाले हो भाभी, आपके दरवाजे पर एक एक दिन में 160 लोग जाते हैं। पहले यूट्यूबर आप हो। 150-160 सब्सक्राइबर आ रहा सुबेरे से, अब पूरा एकदम दिमाग का दही हो गए बा हमारा ना जी। 160 लोग कम से कम आए थे, कम से कम। आज मोतीराम वाला टेम्पू वाला कुल राजा हो गए ना कमा के। कहो, दुगो जात रहा, दुगो आवत रहा। दोस्तों, जैसे बुझात रहा, आज मेला लगल बा मेरे घरे, अभी इनके जाके फुर्सत मिलल है। और शॉर्ट वो यूट्यूब पर ही पहली यूट्यूबर आप हो जो इतने सारे लोगों को मदद करती है, और बाकी ऐसे और भी लोग हैं जो मदद करते हैं, लेकिन उनके पास इतने सारे लोग नहीं जाते हैं। और आपसे सब पब्लिकों को भरोसा जुड़ चुका है, जो आपके पास जाएंगी तो आप सपोर्ट करेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे राधा राज को देखिए, पहले बहुत बड़ा उनका पोल खुला था, जो एक दिन में अगर एक लोग का चैनल प्रमोट करती थी तो वो 10-10 हज़ार रुपये लेती थी। और एक गोरखपुरिया भौजी है जो सबका चैनल फ्री में प्रमोट करती है, तो क्यों नहीं लोग इनके पास जाएंगे, जो 10-10 हज़ार रुपये जाएंगे अपने गरीब, बहुत बहुत गरीब लोग होते जिनके पास खाने के लिए नहीं होते हैं, वो लोग भी जाते हैं मदद मांगने के लिए। तो अगर राधा राज के पास गई तो फिर लोग कहाँ से 10 हज़ार रुपये लाएंगे। गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ा होता है, 10 हज़ार रुपये के लिए सोचना पड़ता है, तो वो कहाँ से जाएंगे 10 हज़ार रुपये ले करके चैनल प्रमोट कराएंगे। सब लोग गोरखपुरिया भौजी के पास क्यों नहीं जाएंगे, सबका 10 हज़ार रुपये भी बचेगा और फ्री में चैनल भी प्रमोट होगा। दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे हैं गोरखपुरिया घमंडी है, ये हुआ। अगर गोरखपुरिया घमंडी तो फिर भी इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों लगी होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए।